क्या हो रहा है राजीव? इस काम में पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तुमने जो जो पेड़ लगाने के लिए कहे थे वो तो हमने लगा दिए, अब तो बस फल का इंतजार है। ये देखो, ये MPX ग्रुप का अकाउंट है जिनकी सालाना टर्नओवर है 15,000 करोड़। मुझे मालूम है राजीव, इसीलिए तो इस समुंदर से कुछ लोटा पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। समुंदर से अगर थोड़ा बहुत पानी निकाल लिया जाए तो समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 करोड़ इन? हाँ हाँ राजीव, शुरुआत तो 5 करोड़ से ही करेंगे। अच्छा देखो गौरव, ये जो तुमने अकाउंट खुलवाया है इसका नाम और अकाउंट नंबर चेक कर लो। गोवर्धन दास? हाँ गोवर्धन दास, यही नाम है राजीव। अगला नाम शायद ठन ठन गोपाल हो। यार कुछ तो रियलिस्टिक नाम रखो ना। एनीवे ये देखो, MPX ग्रुप के अकाउंट से 5 करोड़ गोवर्धन दास के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। यस, कितनी आसान बात है ना, एक बटन दबाने से हजारों करोड़ों के ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अरे राजीव बन गए हम लोग करोड़पति, अब दुनिया के सारे ऐशो आराम हमारे कदमों में होंगे। राजीव फिलहाल हमें मेरे हिस्से के पैसे उस बिल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं जिसके एवज में मैंने अपना घर बुक करवाया। अरे ये तो अपने हाथ में, अपने गोवर्धन दास के अकाउंट में पैसे तो आ गए हैं, अभी ट्रांसफर कर देता हूं और तुम जाकर ATM से जितना कैश विड्रॉ कर सकते हो कर लो। क्या सोच रहे हैं आप? साहिल और सुहा ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, आप आराम कर लीजिए। आराम कहाँ है शमा, कल बड़े अबू को लेकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाना है, उनकी सारी आइडेंटिफिकेशन वहां सबमिट करवानी है। अल्लाह करे कि उसके बाद हम बड़े अबू को अकबर अली साबित कर पाए। सही कहते हैं, इन सब में हमें सबसे ज्यादा चिंता होती है तो दादा जान की। पता नहीं इस उम्र में उन्हें क्या क्या देखना पड़े, अगर अल्लाह का करम नहीं होता तो पता नहीं दादा जान ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाते। इसमें किसी और के क्या कसूर है बताओ साहब? जब आपके बेटे ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने सच ही कहा है जो गैरों से ठोकर नहीं खाता वो अपनों से ठोकर खा जाता। तुमने ठीक कहा देवा, अपने ही बेटे से ठोकर खाया हूं मैं, जिसके वजह से मुझे ये फैसला करना पड़ा। दरअसल मैं उस घर की बेटी को अपनी बहू बनाने का फैसला करके आपने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की साहिल को इस तरह अपने मुट्ठी में कर लेगी कि वो उसके पीछे इस कदर दीवाना हो जाएगा कि मुझे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। आपको सबसे पहले यह सोचना चाहिए था कि साहिल को उस लड़की से छीन कर वापस कैसे लाया जाए। इस बारे में सोचने का मेरे पास वक्त ही नहीं रहा देवा, साहिल मेरा बेटा है, मेरा अपना खून, मैं किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं लेकिन अपने बेटे को नहीं। साहिल को उस लड़की से छीन कर वापस कैसे लाया जाए। इस बारे में सोचने का मेरे पास वक्त ही नहीं रहा देवा, साहिल मेरा बेटा है, मेरा अपना खून,
मैं किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं, लेकिन अपने बेटे को नहीं। साहिल को नुकसान पहुंचाने की बात तो मैं भी नहीं सोच सकता, लेकिन सोहा को साहिल की जिंदगी से निकालने के लिए कुछ दूसरे रास्ते भी तो होंगे। मेरे पास हर रास्ते खुले हैं देवा, लेकिन उन रास्तों पर चलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैंने ये आखिरी फैसला लिया है। आप ठीक कह रहे हैं बक्तावर साहब, असमझ तो पक्के तौर पर आपको कानून के जाल में फंसाने की फिराक में, इसलिए खुद को कानून से बचाने के लिए मैंने ये फैसला किया है। लीजिए नाश्ता कर लीजिए। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि किसी की नजर ना लगे। आपके ऊपर तो हर कपड़ा खूब फबता है, माशाल्लाह इस वक्त भी आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अगर आप इजाजत दें तो आपको थोड़ी देर, नाश्ते का वक्त है, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। शमा, इस फोन की भी ना मुझसे कुछ पुरानी दुश्मनी है। हेलो, हाँ बोलो कामरान, बक्तावर का कुछ पता लगा? नहीं भाईजान, अभी तक कुछ पता नहीं चला, पर हाँ मैं कोशिश तो कर ही रहा। कोशिश करो कामरान, किसी भी तरह कोशिश करो, बक्तावर का पता लगना बहुत जरूरी है। जी भाईजान। भाईजान आपने कहा था कि सोहा और साहिल भी आपके घर आ चुके हैं, अगर हो सके तो एक बार सोहा जी से एक बार पता कीजिए ना, क्योंकि सुहा जी को तो पता ही होगा कि बख्तावर और उसकी बीवी इन दिनों कहाँ रह रहे हैं। नहीं कामरान, सुहा उस घर की बहू है और मैं उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। मैं सुहा और साहिल से इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। तुम ही किसी तरह कोशिश करो कि बख्तावर का पता लगा सको। आज मैं बड़े अबू को लेकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस जा रहा हूं, उसके बाद बख्तावर की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। जी भाईजान, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कामरान, उस वक्त पुलिस ने बक्तावर की गिरफ्तारी पर इनाम रखा था। अगर तुमने बक्तावर का पता लगा लिया तो वो इनाम तुम्हें मिलेगा। तुम अपने आदमियों को भी समझा दो और खुद भी पता लगाने की कोशिश करो। मुझे शक है कि अब बक्तावर ये शहर छोड़कर जाने की कोशिश कर सकता है। जी भाईजान, आप बेफिक्र रहिए, जैसे मुझे कोई खबर मिलेगी मैं तुरंत इत्तला करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे तुलसी, तुम कहाँ जा रही हो? माँ ऑफिस जा रही हूँ, आखिर कब तक घर में बैठी रहूंगी? लेकिन तुलसी तुम्हारी तो तबीयत खराब है। माँ पिकनिक तो चल रहा है ना, और फिर अगर ऑफिस नहीं गई तो ये घर कैसे चलेगा? दीदी और अगर ऑफिस में तबीयत खराब होगी फिर क्या होगा? मैं जा रही हूँ ना काम पर, आप घर में ठीक से आराम कीजिए। तू समझती क्यों नहीं बन रही? तेरे अकेले के काम करने से ये घर चल जाएगा क्या? तेरी तनख्वाह तो मुझसे भी कम है और फिर इस महीने दवाइयों पर भी काफी खर्चा हो गया, कुछ पैसे भी चुकाने हैं। मुझे ऑफिस जाना था। तुम दोनों को अब काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे ऐसा क्या देख रही हो? दीदी तुम्हें काम पे इसीलिए जाना पड़ता है ना कि मैं बेकार घूमता हूँ, नाकारा हो चुका हूँ। नहीं राजी, मैं इसलिए काम पर जाती हूँ क्योंकि इस घर के प्रति मेरा भी कुछ फर्ज है, और मैं ये भी जानती हूँ कि एक नाइट लीन तुम्हें भी अपनी पसंद का काम जरूर मिलेगा। मुझे मेरे पसंद का काम मिल गया,
तुम्हारा इलाज अच्छे से होगा। और इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगा। ये लो मां। ये सारा पैसा तू कहां से लेकर आया है? बस मां, मुझे ऐसी जगह काम मिल गया जहां पैसे तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। वो बहुत बड़े आदमी, उन्हें एक वफादार इंसान चाहिए। उन्हें मैं मिल गया और मुझे वो। बस अपनी जान पर खेलकर मुझे उनकी हिफाजत करनी, और उसके एवज में वो मेरी हर जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन वो है कौन? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम नए घर में रहने जाएंगे, और किसी बात के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी की हर खुशी मैं तुम सबको दूंगा। चाचा जान, लोग कहते हैं कि ससुराल में रहना इज्जत की बात नहीं कहलाती, और साहिल के दिमाग में भी यही बात है। उसका ये सोचना अपनी जगह दुरुस्त है, दुरुस्त है, लेकिन उसे समझाओ कि रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम आती। वो अपना घर छोड़कर हमारे पास आया है, ये उसकी बहुत बड़ी अच्छाई है कि बख्तावर की बुराई में साथ देने की बजाय उसने घर छोड़ना बेहतर समझा। हां सो, ऐसे हालात में इंसान जिसे अपना समझता है उसी के पास तो जाता है, और इस घर में साहिल को किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। चाचा जान, उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। वो तो ये कह रहे थे कि आखिर वो घर में बैठकर कब तक खाएंगे, वो भी कुछ काम करना चाहते हैं, और मैं चाहती थी कि अगर आपकी गारमेंट फैक्ट्री में उनके लिए काम का इंतजाम हो जाता है तो। क्षमा जलती है, पिघलती है समाने के लिए। आखिर वो घर में बैठकर कब तक खाएंगे, वो भी कुछ काम करना चाहते हैं, और मैं चाहती थी कि अगर आपकी गारमेंट फैक्ट्री में उनके लिए काम का इंतजाम हो जाता है तो। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सोहा, साहिल हमारी फैक्ट्री में मालिक की हैसियत से काम कर सकता है। उससे कहना कि जब भी उसका जी चाहे वो फैक्ट्री में आ जाए। बहुत अच्छी बात है अस्कर, बहुत अच्छी बात है। साहिल के दिल को भी तसल्ली होगी, और जो तुम अपने मैनेजर को तनख्वाह देते हो वही तनख्वाह साहिल को दे। जी अबू जान, ऐसा ही हो। लेकिन याद रहे कि फैक्ट्री में भी साहिल को एक रिश्तेदार की इज्जत मिलनी चाहिए। अबूजान, अब तो साहिल के लिए हम सबके दिल में भी वैसे ही बहुत इज्जत बढ़ चुकी है, उसे पूरी इज्जत मिलेगी। खैर ये बताओ कि अल्तमश कहां है? अबूजान, अल्तमश अकबर भाईजान को क्राइम ब्रांच में ले जाने की तैयारी कर रहा है। तुलसी कहाँ है? उसकी तबीयत कैसी है? तुलसी बिल्कुल ठीक है बेटी, वो घर पर है। तो फिर आप यहाँ? तुम्हारे एहसानों की कीमत तो मैं नहीं चुका सकती, लेकिन जो कर्ज है
वो चुकाने आई हूं। कर्ज? हाँ, तुमने तुलसी के सारे टेस्ट कराए, सारे चेकअप कराए, यहाँ तक कि महंगी महंगी दवाइयां भी तुमने अपने पास से दी। बेटी ये पैसे रख लो। नहीं आंटी, ये मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब राजीव की नौकरी लग गई है और अब हम तुलसी का अच्छी तरह से इलाज करा सकते हैं। अभी फिलहाल ये पैसे ले लो। नहीं आंटी, हम ये पैसे नहीं ले सकते क्योंकि हमने पैसों के लिए तुलसी का इलाज नहीं किया। हमने तुलसी का इलाज किया ताकि हम पुराने रिश्तों को निभा सके। क्षमा जलती है, पिघलना जलती है, पिघलती है समाने के लिए। नहीं आंटी, हम ये पैसे नहीं ले सकते क्योंकि हमने पैसों के लिए तुलसी का इलाज नहीं किया। हमने तुलसी का इलाज किया ताकि हम पुराने रिश्तों को निभा सके और हमारे अपनेपन को आप पैसों से तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है कि राजीव को नौकरी लग गई है, उसे काम मिल गया है। इस बात के लिए तो हम आपसे दावत लेंगे, हम आपके घर खाना खाने आएंगे। ये भी कोई कहने की बात है? बोलो कब आ रही हो घर? हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। हम आने से पहले आपको जरूर बता देंगे। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए, हम आपके लिए कुछ मंगवाते हैं। नहीं बेटी, मैं निकलती हूँ। घर पर वंदना और तुलसी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलती हूँ बेटी। ठीक है आंटी, नमस्ते। खुश रहो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वो कल रात में थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी और जनरेटर भी स्टार्ट नहीं हो पाया। क्या? जी शायद वो जनरेटर में कुछ खराबी आ गई है, उसे ठीक करवाना पड़ेगा, लेकिन मैंने मैकेनिक को फोन कर दिया है। मरीजों को ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं मैम, मैं खुद आई थी कल रात में यहाँ पे, बस थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी, ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अच्छा, वो मिसेज गुप्ता की रिपोर्ट्स आने वाली थी, वो आ गई है क्या? कल तक हम लोग कुछ भी नहीं थे राजीव, कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ एक रात में हम लोग करोड़पति बन चुके हैं राजीव, करोड़पति। एक रात में नहीं गौरव, कुछ ही पलों में। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें करोड़पति बनकर घूमने की जरूरत नहीं। अगर तुमने एक ही झटके से अपना रहन सहन चेंज कर लिया तो लोगों को हम पे शक हो जाएगा कि इतने पैसे कहां से आए। ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिलहाल हमारे लिए जरूरी ये है कि हमें करोड़पति बनके भी रहना वैसे ही है जैसे हम पहले रहते थे। लेकिन यार तुम भी तो नया घर खरीद रहे हो। हाँ, लेकिन वो पैसे मैं इन्वेस्ट कर देना चाहता हूँ। जो मैंने घर खरीदा है वो मैंने अपनी माँ के नाम पे खरीदा है, और उस घर में हम रहने भी जाएंगे तो फिलहाल यही कहकर कि हम किराए पे रहते हैं। ओ, अपने आप को धीरे धीरे बनाना होगा गौरव। इस दुनिया में पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे को और पैसे के साथ खुद को संभालना बहुत बड़ी बात है। तुम ठीक कहते हो राजीव। बहुत पहले मैंने पढ़ा था जो मुझे आज तक याद है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बैराए जग वा खाए बैराए। मैं समझा नहीं राजीव। कनक सोने को भी कहते हैं और कनक धतूरे को भी कहते हैं, इसीलिए कहा है कि एक को खाने के बाद दुनिया पागल हो जाती है और दूसरे को पाने के बाद भी दुनिया पागल हो जाती है। दोनों में एक दूसरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है, दोनों का नशा बहुत ही जबरदस्त होता है, लेकिन दौलत के नशे में हमें भूलना नहीं है, एक एक कदम सोच समझ के चलना है।